आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में ज़्यादातर जो कृषि फसलें हैं वो लाल निशान के साथ ही ट्रेड करती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आज कृषि फसलों के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा और आने वाले समय में किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार अजय जी, सबसे पहले आपसे कैसा सीड के ऊपर बात करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि कैसा सीड अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6400 के ऊपर है। हालांकि 6500 के ऊपर का भी बीच में हाई भी लगता नजर आया था, लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी तब भी नहीं देखने को मिली है। ऐसे में अभी आपको क्या लगता है, क्या कैसर का वायदा बाजार अभी यूं ही एक सीमित दायरे में रहेगा? देखिए, कैस्टर में कैस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैस्टर के अंदर हमने नया फसल सामने है, डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रही। हाँ, डैमेजेस की वजह से कैस्टर में तेजी बनी हुई है जो 6500 के करीब बार बार में जाने की कोशिश कर रहा है जी। दो चीज समझनी है, पहला है क्रॉप साइज तो वैसे भी कम है तो भाव तो बढ़ना चाहिए। हाँ, डिमांड जो हम सबसे बड़ा बायर हमारा चाइना है, चाइना से ऐसा कोई बाइंग ज्यादा नहीं आ पा रही जिसकी वजह से मार्केट रेंज बाउंड, क्योंकि चाइना मार्केट अभी हॉलीडे में है जी। मे बी थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए, बट ओवरऑल इस पुल बैक पे हमें लेके ही काम करना है। ध्यान तेजी का है। रेंज की बात करें तो फरवरी में थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज रहेगा जो 6100-6150 का सपोर्ट रहेगा और 6700-6750 का रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल बाइंग करके ही चलना चाहिए कैस्टर में। मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव है। इंटरडे के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा तेजी अभी बना हुआ है जो 6540-6550 दिखा दे, बट एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है जी। जी, बात करें अगर बिनौना खल की, तो बिनौना खल का फरवरी वादा देख रहे हैं 3200 के बाद 3100 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, आधे फीसदी की करेक्शन है लगभग। और आपने पिछली बार बताया था कि बिनौना खल के लिए 12 फरवरी काफ़ी अहम रहेगा खल के लिए, और आगे मार्च तक तो 4000 का टारगेट था, लेकिन अभी आपने ये भी बताया था कि बिनौना खल में थोड़ी करेक्शन भी दर्ज की जा सकती है, जैसा कि हम होते हुए देख भी रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो करेक्शन मोड है ये कब तक जारी रह सकता है? देखिए, टाइमिंग मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने रैली काफी बड़ी देख चुके हैं जी। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि प्राइजेस एक दायरे में है जो 3000 से लेकर 3400 का दायरा बना हुआ है जी। टाइमिंग 12-15 फरवरी के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। हाँ, 3400 का लेवल तो हमें जरूर एंट्री करना है, और 12 फरवरी का टाइम इसलिए बताया है क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि आइस कॉटन भी काफी बड़ा लीप लिया था, प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है, कॉटन भी डोमेस्टिक मार्केट पर थोड़ा करेक्शन ले रहा है। इनफैक्ट मैं करेक्शन का वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा प्राइसेस थोड़ा पुल बैक दे रहा है क्योंकि फंडामेंटल में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ना ही हमारी क्रॉप साइज बढ़कर आ रही है, ना ही कोई डिमांड में कमी आ रही है। कुछ लोगों का कहना था कि कॉटन सीड ऑयल के अंदर सर आप बात कर रहे हो तेजी की, यहाँ पे इंडस्ट्री की डिमांड ही नहीं है। तो प्लीज आप एक चीज समझ के चलिए कि जनवरी मंथ में शादी ब्याह के सीजन थे, मार्केट ओपन अप हो रहा था, लेकिन क्या रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे? बिल्कुल थे। आज भी शादी ब्याह में अगर आप जाते हो तो वहां पे जो गेस्ट है उनको 100 पे सीमित किया हुआ है, तो डेयरी इंडस्ट्री की जो डिमांड रहती है वो लिमिटेड रही है, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं कि घरों में तो डिमांड जो रहती है वो रहती है, बट जब हम कोई शादी फंक्शन या सेमिनार इनमें जाते हैं तो वहां पे भी प्रोविजन डेयरी का होता है जी। तो वहां पे भी डिमांड बढ़ती है, बट जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, मैं खास करके महाराष्ट्र या मुंबई की बात करूं तो 1 फरवरी को ये रेस्ट्रिक्शंस ओपन हुए, राजस्थान में भी अभी धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस ओपन हो रहे हैं, तो ये डिमांड को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। तो जो रिसेंटली हमने 3400 का भाव देखा तो लोगों को कहना है फिजिकल में डिमांड नहीं है। फिजिकल में डिमांड भाव की वजह से नहीं है, फिजिकल में डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे ऑर्निकॉन को लेकर उसकी वजह से डिमांड नहीं थे, बट अब धीरे धीरे हम जानते हैं कि ऑर्निकॉन सब्सक्राइब हो रहा है, इंडिया में नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, और जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स की डिमांड बढ़ेगी डेयरी इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो ओवरऑल आई एम वेरी मच बुलिश फॉर कॉटन सीड ऑयल केक। हाँ, 3000 से लेकर 3400 का जो रेंज है
वो 15 फरवरी तक रहेगा, हमें 3420 का लेवल जो रिसेट आई है वो तोड़ना बहुत जरूरी है, जो ऊपर में 3800 अपने को 12-15 मार्च तक, फिर उसके ऊपर जाए तो मार्च एंड तक हम 4000 का लेवल क्रॉस कर देंगे। जी यहीं से जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में सबसे पहले बात करना चाहूंगा धनिए की, तो धनिए में हमने बीते दो ट्रेडिंग सेशन से देखा एक हल्की सी करेक्शन आई है, धनिए की कीमतें 9800 तक भी जाती हुई नजर आई थी, लेकिन देखने की वहां से रिकवर भी होती हुई नजर आ रही है, 9948 का ही लग चुका है, ऐसे में आपको क्या लगता है क्या यहां से एक बार कीमतें फिर से 10000 के ऊपर सस्टेन होंगी या फिर यहां से अभी जो करेक्शन है फिर से देखने को मिलेगी? मैं कमोडिटी का नाम नहीं सुन पाया, आप बता। अजय जी मेरा सवाल धनिए को लेकर था, हमने बीते दो ट्रेडिंग सेशन से धनिए की कीमतों में करेक्शन आते हुए देखी है, धनिए की कीमतें 10000 का लेवल तोड़कर 9800 पर भी जाती नजर आई, लेकिन फिर से देख रहे हैं वहां से रिकवरी भी देखने को मिली है, 9948 का हाई भी लग चुका है, ऐसे में आपको क्या लगता है यहां से कीमतें 10000 के ऊपर फिर से देखने को मिलेंगी या फिर यहां पे जो करेक्शन है फिर से आएगी? देखिए धनिए में मैं काफी बुलिश हूं, मेरे को लगता है आने वाले दिनों में और तेजी बनेगी जी, बट अभी रिसेंटली मैंने एक अपडेट भी डाला था जहां पे हमने उम्मीद रखी थी कि प्राइजेस में टाइमिंग एक करेक्शन आ सकता है, उसका मुख्य कारण है क्रूड ऑयल जी। अब हम जनरली देखते हैं कि क्रूड का कोई लॉजिक नहीं है, मसालों से क्या कनेक्शन है, कुछ नहीं है, बट आप लॉजिकली देखेंगे तो क्रूड, हमारी उम्मीद थी कि फरवरी में क्रूड के भाव में गिरावट आएगी क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं जी। अब प्रॉब्लम हो ये रहा है कि जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है, मतलब फ्रेट इंडेक्स, वो बढ़ा हुआ है। आज अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो पहले कॉस्ट होता था 900 डॉलर का कॉस्ट हुआ करता था, अब ये कंसाइनमेंट कॉस्ट बढ़कर हो गया 3200-3300 डॉलर। अब अगर एफओपी पे बात करें तो जो सेलर है अगर इतने हाई कॉस्ट पे अगर दे रहा है तो बायर रिडक्टेंट है, वो ज्यादा जल्दी बाइंग नहीं कर रहा है, जितनी जरूरत है उतना ही कर पा रहा है, जिसके चलते हमें लगता है कि इस बार एक्सपोर्ट की डिमांड पे एक बार हैम्पर होगा। जो लेट से अगर हम 1000 क्वांटिटी का एक्सपोर्ट की बातें कर रहे थे वो होगा जरूर, बट 400-500 पे आ जाएगा क्योंकि फ्रेट कंटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ा हुआ है। सेकेंडली, पहले कंसाइनमेंट को 7-10 दिन लगता था जी, अब वो बढ़कर क्वारंटाइन पॉलिसीज और अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर वो सबको देखते हुए 20-25 दिन पहुंच गए हैं टाइम। इसकी वजह से मेरा कैपिटल, जो मैं एक्सपोर्टर हूं, मेरा कैपिटल ब्लॉक होता है, तो अगर एक्सपोर्टर का कैपिटल ब्लॉक होता है तो डेफिनेटली उसका बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पिछले 2-3 दिनों में हमने गिरावट भी देखी है। मैं अगेन बता रहा हूँ, मार्केट की टाइट सिचुएशन देखते हुए, पाइपलाइन खाली देखते हुए, धनिया 18000 का लेवल 2022 में दिखाएगा, वो भी जून जुलाई तक, लेकिन टाइमिंग टेक्निकल करेक्शन भी ड्यू है 2 महीने की तेजी के बाद, कंटेनर अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से एक्सपोर्ट हैम्पर करेगा क्योंकि फरवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रमजान की जो डिमांड आनी है, जो एक्सपोर्ट करना है वो हमको फरवरी 15-20 तारीख तक ही करना है, तभी जाके टाइम पे वहां पे पहुंच पाएगा माल और तभी डिमांड निकल पाएगी, अदरवाइज इंपैक्ट करेगा। तो हायर कॉस्ट की वजह से, एक तो कंटेनर कॉस्ट प्राइसेस की वजह से, एक्सपोर्ट गल्फ फूड जो है वो 13 तारीख को है, तो 13-15 तारीख के बीच में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि क्रूड में बहुत ही बड़ा शार्प करेक्शन आ जाए, अगर जब तक कॉस्ट कम नहीं होगा तो एक्सपोर्ट को इंपैक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि 9200-9000 तक का एक बार पुलबैक दिखा सकता है, क्योंकि फरवरी में फिर से बाइंग करने के लिए आपको मार्च देखना पड़ेगा जहां पे नया माल आना चालू हो जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा सा पेसिमिज्म रहेगा शॉर्ट टर्म में, जो 9200 का लेवल धनिए में दिखा देगा, डेट विल बी ए गुड लेवल टू बाय अगेन, जो ऊपर में 12.5-14-16-18 ऐसे मार्केट मूव करेगा। बाकी ध्यान तेजी का है, टाइमिंग 9000-9200 का वेट करना चाहिए जी। तो यानी कि अगर धनिए में खरीदारी करके चलना है तो अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, 9200 तक के लेवल्स जब आ जाएं तो फिर धनिए में खरीदारी करके चलें, जैसा अजय जी ने बखूबी बताया कि अभी धनिए में 18000-18500 तक के भी लेवल्स धनिए में देखने को मिल सकते हैं। मार्च में जब नया माल आएगा हो सकता है थोड़ी जो कीमतें हैं थोड़ी टाइट रहें, और अभी दूसरा ये जो शिपमेंट कॉस्ट जो बढ़ी है, जो फ्रेट चार्जेस बढ़े हैं और जो माल पहुँचने के जो दिन हैं वो बढ़ गए हैं, पहले जैसा अजय जी ने बताया कि कम दिन लगते थे फिर वही बढ़कर अब 20-25 हो गए हैं, और जो पहले लागत आती थी शिपमेंट की उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो हैम्पर होता नज़र आ रहा है। अरे इसी के कारण जो एक्सपोर्ट डिमांड है अभी वो उठनी इतनी नहीं पा रही है, लेकिन
आगे जाके दैनिक की कीमतों में अजय जी के अनुसार जरूर तेजी आएगी, तो निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने और निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना है। अगर आप 9,000-9,200 के लेवल पर खरीदारी कर लेते हैं और अजय जी का जो टारगेट है 18,000 का, तो इसी से लगा सकते हैं कि धनिया 2022 में लगभग 2 गुना मुनाफा देता हुआ जरूर नजर आएगा। यही से अजय जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में देख रहे हैं कि 2 ट्रेडिंग सेशन तक तो थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, गिरावट रही थी, 19,100 तक का भी लेवल गया था, लेकिन फिर से देख रहे हैं यहाँ पर आज के कारोबारी सत्र में कि यहाँ से जो रिकवरी है वो भी देखने को मिली है, 19,600 तक ट्रेड करता नजर आ चुका है, 2% की तेजी है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है 20,000 के टारगेट्स कब तक देखने को मिल पाएंगे? देखिए जैसे मैंने पहले लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट हम 20,000 का लेवल देख चुके हैं, 19,950 का आई थिंक अपने हाई देखा था, तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट में जो तेजी का रूप बना था वो टाइमिंग बन चुका है। इसमें भी सेम स्टोरी है कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट को लेकर कंसर्न्स आएगा अगले 2-5 दिन में 10 दिन में दिखाई देगा, जिसकी वजह से प्राइजेस ये फिर से मुझे लगता है कि जीरा 18,500-18,600 तक का एक पुल बैक दिखेगा, छोटा पुल बैक रहेगा, वो हमारे लिए एक नई एंट्री का काम करेगा, जो अपसाइड में हमें लगता है कि 21,000 का लेवल तोड़ने पे ही, जो पहले का हाई बना हुआ था 21,000 का लेवल तोड़ने पे ही हम 25,000 तक का लेवल जून जुलाई तक देखेंगे। टाइमिंग मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, 18,600-18,700-18,500 ये रेंज में एक बार मिलना जरूरी है। जी, तो यानी कि अगर जीरे में खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा वेट करके चलना सही रहेगा और उसके बाद ही और खरीदारी करके चला जा सकता है। ओवरऑल रुझान जीरे में तेजी का ही है, फंडामेंटल्स तेजी की ओर है। यहीं से जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में भी हमने 9,600 तक के लेवल देखे हैं पिछले 2 दिनों में। आपको क्या लगता है क्या हल्दी में अभी भी करेक्शन बनेगी? देखिए हल्दी में हमने एक काफी बड़ी रैली देख चुके हैं जी। टाइमिंग मुझे लगता है देखिए पूरे साल भर में डिमांड धीरे धीरे बनी हुई जाएगी, बट सामने अराइवल्स को देखते हुए मेरे को लगता है एक्स्ट्रॉडनरी बड़ी तेजी नहीं बननी चाहिए। 10,200 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबल है हम 9,000-9,200 का लेवल हल्दी में एक बार फिर से देख सकते हैं जी। ही सर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो जैसे कि आपने बताया था कि ग्वार गम और ग्वार सीड में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली जरूर बनती नजर आएगी, ठीक हो वैसा ही हम अब होते हुए देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है ग्वार गम और ग्वार सीड आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड करेगा? सीमित दायरे में अभी भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप पहले भी बता चुके हैं कि आपका जो आप ग्वार में साइडवेज टू नेगेटिव ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट में जो फंडामेंटल्स है वो मुझे ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक कि मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा, तो मेरा व्यू न्यूट्रल टू वीक था। और हम देख रहे हैं कि सितंबर में जो तेजी दिखाई थी उसके बाद हमने अक्टूबर में 6150 के आसपास भाव देख, वो टाइम पे चल रहा था, तब भी मैंने कहा था कि मार्केट में 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, कोई मेजर बाइंग नहीं होगी। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक स्टैग्नेंसी बनी रहेगी, प्रेशर बना रहेगा, कोई बड़ा एक्स्ट्रॉडनरी बड़ी तेजी इंट्राडे में आप टेक्निकली तेजी मंदी कीजिए तो आपको मोमेंटम अच्छा रहेगा, गवाडेक्स इंडेक्स है उसमें भी आपको अच्छा मोमेंटम मिलता रहेगा, बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये गवार कोई एक्स्ट्रॉडनरी बड़ा प्रॉफिट। हाँ, एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए, जैसे पिछले साल मैंने 15 मार्च की डेट दी थी कि 15 मार्च के बाद जबरदस्त तेजी देखने मिलेगी, जब 3800 के आसपास का भाव था उसके बाद हमने तेजी भी देखी, तो हम एक बार वापस रिव्यू कर सकते हैं मार्च के अंदर, बट टाइमिंग मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको कोई रिटर्न दे दे, बेटर इस काउंटर से दूर रहिए। हाँ, इंडेक्स लॉन्च हो चुका है, इंडेक्स के अंदर मूवमेंट भी अच्छा है, तो वहां पे ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से हम ट्रेड करके चल सकते हैं। अजय जी, ग्वार के उत्पादन की बात करूं, प्रोडक्शन की बात करूं, तो आंकड़े तो यही कहते हैं कि जो ग्वार का जो प्रोडक्शन है पहले साल के मुकाबले आधे से या लगभग आधा ही है, तो क्या प्रोडक्शन कम रहने के बावजूद और क्या इसकी डिमांड इतनी नहीं आ रही कि ग्वार की कीमतों में आगे अच्छी तेजी है? सर, पहला चीज आप समझिए कि ग्वार का प्रोडक्शन कम हुआ है, बराबर, तो ये चीज तो पिछले साल की नहीं है, पिछले साल जब सोइंग हुई थी तभी समझ में आ गया था कि इस बार सोइंग कम है तो प्रोडक्शन कम रहेगा। 5 साल से हमने कंटिन्यू कैरियर स्टॉक में कमी होते हुए देख रही, क्योंकि प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और कैरियर स्टॉक में से माल जा रहा है। हमने Q3, Q4 में अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड देखी, डिमांड अच्छी होते हुए देखी, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि 2020 के अंदर जब 3500 का भाव मारा था, क्यों मारा? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी वो टाइम पे, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी। अब जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसकी वजह से ही हमने ये तेजी बनती हुई देखी थी और उसका रैली हमने ऑलरेडी डबल होते हुए देखा है ना। आज 3500-3600 की गवार
आज अगर हमारे सामने 6263 चल रही तो डबल हो चुका है। गवारगम में जो 6000 थी वो 12000 दिख गया है। तो जो स्टोरी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट डिमांड, वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर दी है। लेकिन क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर में हमने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गवारगम का अच्छा डिमांड था, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये ऊंचे भाव में उनका सेल्स में भी ड्रॉप दिखना चालू हो गया है। गवार चूरी, गवार गम, ये चूरी कोरमा में डिमांड था, बट इस वक्त हम देखते हैं मस्टर्ड, सोया, बाकी जो डीओसी वो अवेलेबल होना चालू हो चुकी है। तो पहले जो पैटिक बेनिफिट मिल रहा था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है गवार में। तो आई थिंक जो जो स्टोरी अभी क्रूड में हम लोग बोलते हैं कि 90 का भाव क्रूड आ गया है, अब तो गवार को बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप यूएस का प्रोडक्शन देखिए ना, लास्ट एक साल में कितना बढ़ा है? कुछ बढ़ा ही नहीं है। क्योंकि यूएस, मैंने पहले भी ये पॉइंट उठाया था कि यूएस जब तक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं देगा, जब तक पैसा नहीं देगा, जब तक उसका जंप आएगा ही नहीं, प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं, तो जब तक यूएस के अंदर पैसे का फ्लो नहीं आएगा ऑयल इंडस्ट्री में, तब तक ये तेजी नहीं बन सकती है। तो मुझे लगता है मार्केट ट्रिगर्स के लिए वेट कर रहा है, कुछ ट्रिगर्स बने तो ही क्लियरिटी बनेगी, अदरवाइज मार्केट बिल्कुल रेंज में रहेगा। आप अगर गवार में इन्वेस्टेड है तो अपॉर्चुनिटी लॉस, जैसे मैं कैस्टर में तेजी में देख रहा हूँ, कॉटन सीड ऑयल केक है, कॉटन है, मसाला है, वहां पे वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर लोगे आप। जी, आज गवार अगर हम सितंबर की बात करें तो वही 6100-6200 का भाव था, बट वो टाइम पे अगर धनिया की बात करें हम तो धनिया भी 6500 का भाव चल रहा था, जो 6500 वाला आज 10000 का भाव है। तो कहने का मतलब है जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो कॉटन, कॉटन सीड ऑयल केक, कैस्टर, मसालों में ज्यादा बन रही है। इवन गवार सीड, गवार का हम लेके बैठे रहे, किसी किसी की आदत है 3-4 साल से हम लेके बैठे हैं कि कुछ अच्छा होगा, बट उसके बदले अगर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पे हम बाइंग करें तो वो ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो मेरे हिसाब से गवार को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ट्रेंड वीक रहेगा। जी, यही से जी बात करें अगर आप कॉटन की, तो जब 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा था कि अब जो कपड़े हैं वो सस्ते होंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, कपड़े सस्ते होना और कॉटन, क्या इन दोनों को रिलेट किया जा सकता है? क्या इसका असर कॉटन की कीमतों पर देखने को मिलेगा? देखो, कपड़े सस्ते होंगे अगर गवर्नमेंट की चीज बोल रही है, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला है कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन के ऊपर कुछ अच्छा काम करेगी, बट आई डोंट थिंक कि हमारे प्रोडक्शन में अगर यील्ड की बात करें तो 550 के आसपास की यील्ड है। एरिया भी लगभग हम लोग 5 साल से अच्छे कंटिन्यू इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डबल। हाँ, इस बार ये जरूर है कि लुकिंग टू दिस प्राइस, इस बार रिकॉर्ड शोइंग होनी है। दूसरा है, गवर्नमेंट के हाथ में वो है इंपोर्ट ड्यूटी, बट सामने इलेक्शंस भी है, तो मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन डेफिनेटली इंपोर्ट ड्यूटी में हम लोग कुछ चेंजेस आते हुए देखेंगे, विच कुड क्रिएट प्रेशर। बट ओवरऑल आप समझिए कि इस बार जो क्रॉप साइज है, अगर हम सीआई की भी बात करें तो 348, लेकिन हाजिर में बात करें तो 320 भी बोलने में लोग झिझक रहे हैं। लेकिन ये फंडामेंटल चीज इंपॉर्टेंट, आज यूएस में भी आप देखिए क्रॉप साइज इश्यू है, सभी इकोनॉमी में हमने देखा है पोस्ट पैंडामिक कंटिन्यू डिमांड निकल रही है। तो आई एम नॉट सो मच बेरिश फॉर कॉटन, छोटे मोटे करेक्शन चाहे इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, डिमांड के लिए बोल दीजिए, या और डिस्पैरिटी है बीच में, हम देख रहे थे कि आइस नहीं चल रहा था, हमारे इधर चल रहा था, अब हम देख रहे हैं आइस में मूवमेंट आया, हमारे इधर स्टैग्नेंसी हो गई, तो ये सब चलता रहेगा। बट अल्टीमेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंटरनेशनल में एक 138 तो कंजर्वेटिवली मिल जाना ही चाहिए। अगर थोड़ा और मोमेंटम क्रिएट होता है, बैलेंस शीट शॉर्ट है उसको देखते हुए, तो 148-150 सेंट तक का भी लेवल दिखा दे। हमारे इधर अगर एमसीएक्स की बात करें, मैंने अर्लियर टारगेट जो दिया था वो 38,000 का दिया था, ऑलमोस्ट हमने 37,500 के करीब आते हुए देख पा रहे हैं। तो 38 जो टारगेट हमारा कप एंड हैंडल के हिसाब से था वो अचीव हो चुका है। मे बी यहाँ से और मोमेंटम क्रिएट होगा तो ऊपर में 42-44 भी दिखा दे, दैट विल टेक टाइम, मार्च के बियॉन्ड जाएगा वो। अभी मार्केट मुझे लगता है कि 38-38,500 का जो रेंज है वो कैप रहेगा काफी टाइम तक, और नीचे में हो सकता है 35-35 भी एक बार पुल बैक में दे दे। बट यहाँ पे सेलिंग के लिए मत सोचिए, अगर 35-35 मिलता है तो देट विल बी गुड टू बाय। वैसे कॉटन सीड ऑयल केक में भी मैंने कहा कि मार्केट में आपके देखिए 2400 वाली आइटम बढ़कर 3400 हो चुका है, तो एटलीस्ट को महीना भर तो दीजिए, आप महीना डेढ़ महीना तो दीजिए कि कंसोलिडेट करके जो कूल ऑफ हो। तो आई थिंक 3000 से लेकर 3400 का जो रेंज है इसके अंदर ही मार्केट रहेगा, 3000 के करीब मिले धीरे धीरे बिल्डअप कीजिए, एक साथ मत कूदिए इसके अंदर। और कुछ लोगों का जो कहना है डिमांड को, वो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है, जनवरी में कोई भी रेस्टोरेंट 50% से ज्यादा मुंबई में काम नहीं कर रहा है,
बाकी शादी ब्याह सब 50% या 100 से ज्यादा कोई बाराती को बुला नहीं सकता है, तो कहां से डिमांड निकलेगी, ये चीज सबको पता है। अब फरवरी मार्च में जैसे जैसे इंप्रूव होगा भाई, एक कुछ लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, लेकिन गर्मी इस बार हम एक्सटेंडेड विंटर की बातें कर रहे हैं। 10 तारीख को राजस्थान में वापस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की उम्मीद है, जहां पे ठंड और रहेगी। तो ये सारे फैक्टर जो है वो मुझे तेजी का ही इशारा देते हैं। टेक्निकली थोड़ा बहुत पुलबैक मिलता है, घबराने की जरूरत नहीं, लेके काम करना चाहिए। जी यही सर जी, बात करें अगर मेंथा ऑयल की, तो बजट में मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी में कमी की जाने की भी बात कही थी, आपको क्या लगता है इसका असर मेंथा की मार्केट पर कितना देखने को मिल सकता है? देखो बहुत ही वेलकम स्टेप था, क्योंकि मेंथा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेंथा में आप समझिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा है सिंथेटिक मेंथा। इससे पहले के सालों में भी हमने देखा 15-16 में भी, जब मेंथा का भाव 2,200 तक पहुंच गया था, 2,500 पहुंच गया था, तब सबसे बड़ा हर्डल जो बना वो हमारा बना सिंथेटिक मेंथा। उसका कारण भी है वॉलेटिलिटी इन दिस प्राइसेस। आज अगर कोई इंडस्ट्री वाला है, अगर इंडस्ट्री को मेंथा ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो लेता है, लेकिन वो दिखता प्राइस में वेरिएशन डबल का होने लग गया साल भर में, तो वो कहीं ना कहीं देखेगा कि ऐसा आइटम चाहिए मुझे जिसकी प्राइस स्टेबिलिटी रहे। तो मेंथा का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो वॉलेटिलिटी भरा रहा, इसलिए काफी इंडस्ट्री में जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि सर आज मैं 800-900 रुपए में मेंथा ले रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता 6 महीने बाद ये 900 रुपए में मिलेगा क्या, कभी 1,000-1,500 हो जाता है, कभी 2,000 हो जाता है। इसके लिए सब लोगों ने ज्यादा करके सिंथेटिक मेंथा पे शिफ्ट किया, बट अभी भी जो इंडियन पॉलिसीज है वो ये बोलती है कि आप ओरल कंजम्पशन में जो भी यूज करते हैं वहां पे आप नेचुरल मेंथा को यूज करो, तो नेचुरल मेंथा की डिमांड कंटिन्यू बनी रहेगी। और जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है डेफिनेटली इससे थोड़ा सी मेंथा में जान भी आएगी, लेकिन अभी भी जो मंडी टैक्स को लेकर जो कंसर्न्स है वो थोड़ा सा हिचक रहा है। तो आई थिंक मार्केट कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा 990 के ऊपर, जो 1020 से 1030 का लेवल दिखा देगा। दिस इज वेरी रियली गुड रेट, यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चलिए 15-20 दिन महीने भर का व्यू लीजिए, 1020 तक का लेवल मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए 20 से 25 फरवरी के बीच में एक अटकलें मालूम पड़ने लग जाएगी इस बार स्विंग कैसी रहेगी, और हमें लगता है कि इस बार भाव को देखते हुए स्विंग में थोड़ी ड्रॉप आ सकती है, और वो एक मुख्य कारण रहेगा जो आपको अप्रैल मई जून में एक अच्छी तेजी दिखाएगा। बट टाइमिंग मार्केट कंसोलिडेशन में, यहाँ से जाने में बहुत कम चीजें लगती है बट आने में खूब अपॉर्चुनिटी है, तो मेंथा में लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म में 1020 का लेवल। जी यही सर जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में तो देख रहे हैं कि ब्राजील और अर्जेंटीना में तो सूखे के हालात हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्शन के जो एस्टिमेट्स हैं उनमें लगातार कटौती की जा रही है वहाँ की एजेंसीज द्वारा। यूएस के अंदर देख रहे हैं कि जो क्रशिंग है वो ज़्यादा बड़ी है, ऐसे में आपको क्या लगता है जो यूएस सोयाबीन पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से $1,530 के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, और ब्राज़ील और यूएस के जो आंकड़े कहते हैं उसका असर भारत में कब तक देखने को मिल सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि अगर एक दिन भी मंदी तेजी हुई तो उसका असर तुरंत भारत के बाज़ार पर देखने को मिलता था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। जो सोयाबीन है NCDX पर वो 6400 के लेवल्स पर ही ट्रेड करती नज़र आ रही है, और जबकि जो यूएस सोयाबीन है वो $1,500 के भी पार जा चुका है। देखिए आई थिंक सोया काउंटर काफी कंसोलिडेशन में रहेगा डोमेस्टिक मार्केट पे, तो मंदी के मुझे कोई ऐसे बड़े कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला चीज है, आप देखिए सामने हमारे पास मस्टर्ड की बड़ी क्रॉप है जी, जिसके चलते कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल बैक मुझे नहीं लगता कि बड़ी क्रॉप में मतलब बड़ा तेजी डोमेस्टिक पे नहीं दिख रहा है। बट साथ में आप क्रूड ऑयल के भाव देखिए ना, क्रूड के भाव $90 के करीब है, ओपीसी मीट होने के बावजूद हमने कोई मटेरियल बड़ा फॉल नहीं देखा है, दैट मींस क्रूड कंटिन्यू एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा। इसका जो सपोर्ट है वो आप सीपीओ में देखेंगे जी। तो आप देखिए इंटरनेशनल में बीएमडी सीपीओ कंटिन्यू स्ट्रांग दिखा रहा है, हमारे यहाँ पे भी अगर डोमेस्टिक में देखे तो आज भी 1200 के करीब ट्रेड कर रहा है। कांडला की बात करें हम, तो कहने का मतलब जब तक तेल तेज रहेगा तो सोया ऑयल मस्टर्ड ऑयल इनमें तेजी रहेगी, और उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट मस्टर्ड पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो टाइमिंग सॉरी सोया पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। टाइमिंग मस्टर्ड की बड़ी क्रॉप देखते हुए मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी नहीं दिख रही है, बट बड़ी मंदी भी नहीं है। आज अगर हम इंदौर के भाव की बात करें तो हमने देखा है कि 6300-6400 के बीच में 2-3 दिनों से मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट 6100 के नीचे या 6050 के नीचे कहीं नहीं जाना है, और जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में डिस्पैरिटी बैठी है ये कहीं ना कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। खाली हम लोग वेट कर रहे हैं
कि मस्टर्ड की क्रॉप का एक बार आकर मार्केट में क्लियरिटी आ जाए, मुझे लगता है 6600-6800 का लेवल डेफिनेटली हमारे यहाँ पे दिखा देगा अगले 2 महीने में कि क्रॉप साइज तो डेफिनेटली ड्रॉप है, क्योंकि अराइवल्स हम देख रहे हैं कि अराइवल्स आई नहीं रहा है मार्केट में, और जिस दिन से तेल के भाव बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट ही करेगा। तो आई थिंक आई एम वेरी मच बुलिश। खाली ये आप देख लीजिए 10-12 मार्च तक जो दबाव में है वो है, अदरवाइज मार्केट ये आराम से 6800 से 7000 का लेवल आप अप्रैल मिड के बाद देखेंगे, अप्रैल मई में आप देखेंगे कि आराम से 7000, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी तेजी बनी हुई है, जो वेदर कंडीशन का बोल लो या डिमांड बोल लो सब चीज फैक्टर सपोर्ट है। एक कमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है खास करके एग्री में, तो यहाँ पे आप मंदी के कारण मत ढूंढिए। आप देखिए मार्केट की पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है, ऊंचे भाव में भी लोग लेवाल खड़े हैं, तो आई थिंक के कोई ऐसा बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉल नहीं लग रहा है मुझे। 6100-6150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो हायर साइड में मुझे लगता है कि अगर हम अप्रैल एंड तक की बात करें तो 6800 क्रॉस कर जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट MCV पर। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।